नमस्कार सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 1 अगस्त, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, एक एक करके जानेंगे। दोस्तों बड़ी अपडेट, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, इस साल अब तक 90 आतंकी मारे गए हैं। सक्रिय आतंकियों की संख्या में बेहद कमी आ रही है। ताबड़तोड़ एनकाउंटर जारी है, पिछले 24 घंटे में कई आतंकी और लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर ढेर। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है तो दोस्तों तालिबान के निशाने पे संयुक्त राष्ट्र, जी हां संयुक्त राष्ट्र की इमारत को उड़ाया, बड़ा हमला किया है तालिबानियों का, एक तरीके से खूंखार हो रहे हैं। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, चीन में जबरदस्त हाहाकार, मर रहे हैं, हजारों जिंदगियां जा चुकी हैं, खरबों का नुकसान, चीन में भारी भरकम, बीजिंग तक जा पहुंचा है पानी, जबरदस्त बाढ़, अगली अपडेट में आपको बताएंगे। तो दोस्तों पीओके में चुनाव पर भारत ने जब कड़ा विरोध जताया और पाकिस्तान को लथाड़ लगाई, तो पाकिस्तान ने राजनयिक को भेज दिया है, समझिए दूतावास को क्या कुछ बुलाया है, वो भी आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, भारत और अमेरिका के बीच बहुत बड़ी रक्षा साझेदारी, जी अगले 5 साल तक के लिए बढ़ाया गया है। आखिर ब्लिंकन और मोदी के बीच कौन सा रक्षा समझौता हुआ है जिससे चाइना और पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। और इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, भारत और चीन के मिलिट्री कमांडर्स के बीच 12वें दौर की अहम मीटिंग हुई है कल, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबर एक एक करके जानना है आज जरूर। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी के नेतृत्व में देश कोविड-19 से लड़ने में सफल हुआ या फिर नहीं, और खास करके चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ और करारा जवाब देगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल जम्मू कश्मीर में आतंक की कमर तोड़ दी है, जम्मू कश्मीर में सैनिकों ने ताबड़तोड़ एनकाउंटर किया। जी आपको बता दें एक बड़ी खबर, पुलवामा में जिसने किया था आतंकी हमला, आईडी जिसने तैयार किया था, लंबू लंबा मारा गया है, 40 जवानों का बदला लिया गया है। जी इस बीच आपको बता दे पिछले 24 घंटे में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए हैं। दरअसल आपको इस साल अब तक अलग अलग मुठभेड़ों में लगभग 90 आतंकी मारे जा चुके हैं, और पिछले वर्ष की तुलना में मारे गए आतंकियों की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में सेना का जारी है, उसके बाद से ये नहीं कहा जा सके, ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में ताबड़तोड़ कई आतंकी मारे जाएंगे। इस बीच अगर बात करें तो आज जम्मू कश्मीर में एक और टॉप कमांडर ढेर कर दिया गया है, और ये टॉप कमांडर कोई और नहीं बल्कि आपको याद होगा पुलवामा शहीद में 40 जवान शहीद हो गए थे, और उसमें जो आईडी जिसने बनाया था, उस आईडी के जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, और जैश ए मोहम्मद के मुखिया मौलाना असद मजहूर का करीबी रिश्तेदार है, और खूंखार आतंकी इस्माइल भाऊ उसको लंबू उसको ढेर कर दिया गया है सेना द्वारा। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, तालिबान के निशाने पर संयुक्त राष्ट्र, आपको बता दें खूंखार हो रहा है तालिबान लगातार, अब एक तरीके से यूएन समेत तमाम देशों पर कर रहा है अटैक, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें यूएन की बिल्डिंग पर ही हमला बोल दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबानी का तांडव लगातार जारी है, और वो अपना पैर जो है वो पसार रहा है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र संघ को भी निशाना बना दिया है। शुक्रवार को पश्चिमी अफगान के हेरान प्रांत में यूएन का मुख्य इमारत पर सरकार विरोधी तत्वों ने हमला बोल दिया है, इसमें तालिबानी लड़ाके बताए जा रहे हैं। हमले में तैनात एक सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई है, यानी तालिबानी हमलों में एक सुरक्षा गार्ड की मौत भी हो गई है, लेकिन ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक चिंताजनक बात है, और यूएन ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई है। यूएन ने कहा है कि इस तरीके के फिलहाल कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इसके जांच के लिए पूरे आदेश दे दिए गए हैं। हालांकि आपको बता दें कि तालिबान के इसमें होने के पूरे सबूत भी मिल गए हैं, लेकिन जिस तरीके से तालिबान यहां पर अब यूएन समेत तमाम बिल्डिंगों को निशाना बना रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे फिर यूएन की बिल्डिंग हो, या फिर मानवाधिकारों की हो, या फिर WHO, या फिर दुनिया भर के जो तमाम देश उनके दूतावास हों, यानी लोकतांत्रिक धरोहर जितने, उन सबको ढहाने की अफगानिस्तान में तालिबान ने एक तरीके से कमर कस ली, और यही कारण है कि वो तमाम बिल्डिंगों पर अटैक कर रहे हैं। अगली अपडेट, चीन में हाहाकार मच चुका है, खरबों का नुकसान, लाखों की हजारों की मौत, लाखों जिंदगियां फंस चुकी हैं मौत के बीच, ताश के पत्ते की तरह बह रही हैं गाड़ियां, ढह रहे हैं घर, और जिंदगियां फंस चुकी हैं। जी दरअसल आपको बता दें चीन में बाढ़ अभी भी बुरी तरीके से हाहाकार मचा हुआ है, मध्य चीन में हो रही लगातार भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने अब तक लगभग 100 कहीं ना कहीं तरीके से 1000 करीब लोगों की मौत हो चुकी है, और इसके साथ
साथ ही अभी अगर बात करें तो लाखों लोग, लगभग 7-8 लाख लोग फंसे हुए एक से दूसरी जगहों पर। सबसे जो बड़ी बात यह है कि उसमें से अभी तक खरबों रुपए का नुकसान हो चुका है और कहीं ना कहीं हजारों घर जमींदोज हो चुके हैं, ढह चुके हैं पानी में। पूरा का पूरा शहर हेनान प्रांत में सबसे बड़ी तबाही आई है। और इस बीच आपको बता दें 1000 साल बाद ये तबाही चीन में आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चीन की इस तबाही को जो कवरेज कर रहा है, उन पत्रकारों पर भी हमला हो रहा है। यही कारण है कि अमेरिका के लगभग 40 के ज़्यादा करीब पत्रकारों को टॉर्चर किया जा रहा है। और इसको देखते हुए अमेरिका ने भी चीन को चेतावनी दी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चीन में जिस तरीके से ये हालात हो चुके हैं, उसके बाद से चाइना अब मुंह दिखाने लायक नहीं है। क्योंकि प्रकृति का जो दोहन चीन कर रहा है और खास करके प्रकृति से जो भिड़ना चाहता है चीन, उसका ये खामियाजा भुगत रहा है। और ये चीन को अच्छी तरीके से पता है। यही कारण है कि चाइना में इस तरीके की तबाही लाखों खरबों रुपए को डूब ले गई महज 1 हफ्ते के अंदर, और न जाने कितने लोगों की हो चुकी है। अगले अपडेट लेते हैं। भारत और अमेरिका के बीच वैश्विक विकास साझेदारी समझौते को 5 सालों के लिए आगे बढ़ाया गया। इसमें रक्षा समझौता भी है। चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ी। दरअसल आपको बता दें, भारत और अमेरिका ने शुक्रवार को मौजूदा समझौते के प्रावधानों का विस्तार किया, जिसके तहत सहयोगी देशों को कनेक्टिविटी, व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य सेवा तथा कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त रूप से क्षमता निर्माण में मदद दी जाती है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों पक्षों ने वैश्विक विकास के लिए त्रिकोणीय सहयोग पर मार्गदर्शक सिद्धांतों के वक्तव्य SPG में दूसरे संस्थानों पर हस्ताक्षर किए हैं। SPG समझौते पर नवंबर 2014 में हस्ताक्षर किए गए थे और नए संशोधन ने समझौते की वैधता को 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही रक्षा समझौते को लेकर भी बढ़ा दिया है 5 सालों के लिए। रक्षा समझौते खतरनाक हथियारों समेत तमाम चीज़ों पर इसमें समझौते हुए, और इन समझौते के बाद एक कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान को करारा झटका है। क्योंकि अमेरिका को भी अब समझ में आ गया है कि चाइना को रोकने के लिए भारत के साथ समझौता करना ही पड़ेगा, और बिना भारत को साथ लिए चीन का मुकाबला अमेरिका अकेले नहीं कर सकता है। एशिया में कोई है तो चीन को मुंहतोड़ और करारा जवाब देने वाला वो भारत, और यही कारण है भारत के साथ समझौते को अमेरिका ने बढ़ा दिया है। अगली अपडेट POK में चुनाव पर भारत ने जताया कड़ा विरोध, तो पाकिस्तान ने भेज दिया है समन। जी हां, दरअसल आपको बता दें, पाकिस्तान ने शुक्रवार को भारतीय उच्च आयोग के एक शीर्ष राजनयिकों को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हाल ही में संपन्न हुए चुनाव पर भारत की टिप्पणियों को खारिज करने का समन भेज दिया है। दरअसल पाकिस्तान विदेश कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत के विरोधियों को पाकिस्तान पूरे तरीके से खारिज करने और जम्मू कश्मीर विवाद पर पाकिस्तान की स्पष्ट तथा सुसंगत स्थिति को दोहराने के लिए विदेश मंत्रालय MEA को भारतीय दूतावास के अधिकारी को बुलाया गया है। भारत ने गुरुवार को POK 25 जुलाई के चुनाव को खारिज कर दिया है, जिसमें मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी PTI को जीत मिली हुई है। विदेश मंत्रालय ने इस कॉस्मेटिक एक्सरसाइज करार देने के साथ ही पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे को छिपाने का प्रयास बताया है। भारत ने इस मुद्दे पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चुनाव पर कड़ा प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बगाची ने कहा है कि पाकिस्तान का इन भारतीय क्षेत्रों पर कोई अधिकार नहीं है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर कोरोना महामारी। WHO ने डेल्टा कहा, डेल्टा वेरियंट के कारण मध्य पूर्व देशों में चल रही चौथी लहर। जी हाँ, WHO ने कहा है कि मध्य पूर्व देशों में कोरोना के डेल्टा वेरियंट के कारण चौथी लहर चल रही है। संगठन ने कहा है कि इन देशों में टीकाकरण की दर अभी भी कम है और इसी कारण वायरस का प्रसार तेजी के साथ चल रहा है। WHO ने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट की चाल तेज होने का ही नतीजा है कि दुनिया में संक्रमण और मौतों के मामले बढ़ने लगे हैं। पूर्वी भूमध्य क्षेत्रों में महामारी की गति तेज हो गई है। देश क्षेत्र में संक्रमण दर में 55 जबकि मृत्यु दर में 15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि कोरोना महामारी महामारी दुनिया भर में बीते पिछले 1 हफ्ते में 21% बढ़ी है और इनमें से 69,000 लोगों की मौत हो चुकी है। ये केवल चौथी लहर, ये चौथी लहर भी खतरनाक है। अगली अपडेट लेते हैं। अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट का खतरा, रूस ने तजाकिस्तान में उतार दी सेना। जी हां, अफगानिस्तान में तालिबान के मजबूत होने के पड़ोसी मुल्कों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है, खास करके मध्य एशिया के इस देश को लेकर चिंतित हैं। रूस भी अफगानिस्तान से सटी तजाकिस्तान उज्बेकिस्तान की सीमा के सुरक्षा को लेकर सतर्क है और वह तजाकिस्तान में अपने सैन्य अड्डे की लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ा रहा है और स्थानीय सैनिकों को ट्रेनिंग भी दे रहा है। अगले कुछ दिनों में उज्बेकिस्तान में तजाकिस्तान के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास करने की तैयारी में जुटे रशिया ने भी चेतावनी दे दी है कि आतंकवादी गुट इस्लामिक स्टेट के लड़ाके अफगानिस्तान में एंट्री कर रहे हैं। दरअसल
ताजिकिस्तान पहुंचे रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने बुधवार को कहा है कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी अफगानिस्तान में तेजी से सुरक्षा की स्थिति बिगड़ रही है। गठबंधन सैनिकों की वापसी के बाद मुस्लिम बाहुल मध्य एशिया क्षेत्रों के पड़ोसी मुल्क संभावित बड़ी सुरक्षा चुनौती से निपटने की तैयारी को लेकर अलर्ट पे हैं। आपको बता दें, विशेष रूप से मॉस्को ने उत्तरी अफगानिस्तान में आईएस की बढ़ती ताकत को लेकर चिंता व्यक्त की है। शोइगु ने कहा है कि आईएस से लड़ाके सीरिया, लीबिया और कई अन्य देशों से अफगानिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये रूस ने भी चिंता जाहिर की और यही कारण है कि सेना को उतार दिया है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, खुली पोल, तालिबान संग लड़ रहे पाकिस्तान की सेना के अफसर को अफगानिस्तान की सेना ने किया ढेर, तब जाकर हुआ खुलासा। अमेरिका सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एयर स्ट्राइक में सहयोग मिलने से अफगानिस्तान सुरक्षा बलों ने तालिबान को पीछे ढकेलना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गजनी, तकर, कंदाल, हेलमंद और बगलान सहित 20 देशों में लड़ाई जारी है। लड़ाई में तालिबान के साथ ही कई पाकिस्तानी लड़ाके भी हताहत हुए हैं। इस बीच अफगानिस्तान सुरक्षा बलों ने तालिबान से लड़ते हुए पाकिस्तान की सेना के एक अधिकारी को भी ढेर कर दिया है। पाकिस्तान तालिबान प्रवक्ता जबीबुल्ला मुजाहिदीन ने हमले के लिए चेतावनी दी और अमेरिकी हवाई हमले की निंदा की है। लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका लगातार हवाई हमले कर रहा है। एयर स्ट्राइक में कई तालिबानी, पिछले 24 घंटे में 500 से ज्यादा तालिबानी ढेर हो गए हैं अफगानिस्तान और अमेरिका की संयुक्त एयर स्ट्राइक में, जिसके बाद से अब, हालांकि आपको बता दें कि पाकिस्तान के भी इसमें सैनिक जो ढेर हो रहे हैं, उसके बाद से अब खुलासा हो रहा है तो पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है और आतंक के आका इमरान खान भी पूरी दुनिया में एक्सपोज हो रहा है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, तिब्बतियों से वफादारी की परीक्षा ले रहा चाइना, हर परिवार के एक सदस्य को सेना में कर रहा है शामिल, भारत के खिलाफ उतारेगा। जी हां, पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत चाइना के बीच तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के बीच लगातार बातचीत का दौर चल रहा है। इसके बावजूद बीच बीच में चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है चाइना। LAC पे पिछले एक सालों से कई बार भारत से मुंह की खाने के बाद चीन ने अपनी सैन्य तैनाती को मजबूत करने के लिए हर तिब्बती परिवार के एक लोग को पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA में एक सदस्य भेजना अनिवार्य कर दिया गया है। सूत्रों ने बताया है कि तिब्बती युवाओं की वफादारी परीक्षा के बाद भर्ती की जा रही। सूत्रों ने कहा है कि चीन LAC पर अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, खास करके लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में भी। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि चीनी सेना ने तिब्बतियों के वफादार परिवारों को एक एक सदस्य को शामिल करने के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जा रहा है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, भारत चीन के मिलिट्री कमांडर्स के बीच 12वें दौर की हुई कल मीटिंग। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, कल भारत और चीन के मिलिट्री कमांडर्स के बीच 12वें दौर की अहम मीटिंग शनिवार को हुई है। मीटिंग के दौरान दोनों देशों के सैन्य कमांडर्स आपस में बातचीत करते डिसएंगेजमेंट पर चर्चा की है। यह मीटिंग LAC पर चीन की तरफ से मोलोंडो गैरिसन में भी शामिल हुई है। हालांकि आपको बता दें कि इसमें चाइना और भारत के कमांडर पर बातचीत हुई है, कई मुद्दों पर बातचीत हुई। अभी इसके बारे में पूर्णतः जानकारी नहीं हुई है, लेकिन कल जो बैठक हुई इसके कई मायने हैं अहम। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, अगस्त में भारत के हाथों में होगी संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद की कमान, आतंकवाद पर और तेज होगा प्रहार। जी हाँ, दरअसल 1 अगस्त से 1 महीने के लिए भारत के हाथों में संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद की कमान होगी। भारत 1 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद की प्रत्यक्ष अध्यक्षता संभालेगा और इसी महीने के दौरान समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना की कवायद करने और आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करने को तैयार है। महासभा अध्यक्ष के कार्यालय में मिली जानकारी के मुताबिक भारत के राजदूत TS त्रिमूर्ति ने UN महासभा प्रमुख को भारत की अध्यक्षता के दौरान होने वाली मुख्य गतिविधियों से अवगत भी कराया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व राजदूत TS त्रिमूर्ति ने 15 राष्ट्रों के शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र निकाय के भारत द्वारा अध्यक्षता संभाले जाने की पूर्व संध्या में बातें कही हैं। तो ये भारत का UN में डंका मिलेगा बजेगा और अगस्त में भारत को वीटो पावर मिलेगा, तो ये एक बड़ी खबर निकल के आई है। तो दोस्तों, हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, कोरोना का डेल्टा वेरिएंट 132 देशों में पहुंचा, WHO ने वायरस के म्यूटेशन को लेकर चेताया। जी हां, दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना वायरस के नए वेरिएंट्स को धीमी हुए टीकाकरण को लेकर चेताया। हर 20 शुक्रवार को संगठन ने कोरोना डेल्टा स्वरूप को लेकर भी चेतावनी दी थी और WHO के आपात निर्देशक माइकल रयान ने कहा है कि वैक्सीनेशन के अलावा कोरोना से बचने का कोई जादुई उपाय नहीं है। WHO की जानकारी दी गई है कि डेल्टा वेरिएंट दुनिया के 132 देशों और हिस्सों में फैल चुका है।
पहली बार इस वेरिएंट की पुष्टि भारत में हुई है। रियान ने कहा है कि डेल्टा एक चेतावनी है और एक चेतावनी इस वायरस के विकसित हो रहा है, लेकिन ये तर्क होने का समय और इसके साथ ही पहले खतरनाक वेरिएंट भी सामने आया है इससे पहले भी। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, गुलाम कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की रणनीति को नाकाम करने में जुटा भारत। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान की ओर से गुलाम कश्मीर में कराए गए चुनाव में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी को भले ही बहुमत हासिल हो गया हो, लेकिन भारत सरकार ने इस चुनाव को लेकर पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने गुलाम कश्मीर में कराए गए तथा कथित चुनाव और साथ ही चीन तथा पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तर्क को भी खारिज कर दिया है। हालांकि इसके जवाब में पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायोग के एक शीर्ष राजनयिक को तलब कर गुलाम कश्मीर में हाल में संपन्न चुनाव में भारत की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि इमरान खान को गुलाम कश्मीर के चुनाव की कराने की क्या ज़रूरत पड़ गई है। दरअसल इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद से पाकिस्तान सरकार की ओर से सेना के खिलाफ जिन क्षेत्रों में विरोध के स्वर उठ रहे हैं उन्हें सुनाई नहीं दे रहे हैं और ऐसा उनमें कठोरता से निपटने की कोशिश पाकिस्तान सरकार ने की है। अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें मोदी सरकार जी यूपी चुनाव 2022 विधानसभा चुनाव के लिए हर जिले में भाजपा के योद्धा तैयार, जिम्मेदारियों और कार्यक्रमों भी सौंप दिए गए हैं। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 403 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार और प्रबंधन को लेकर हर मोर्चे पर विपक्षी दलों का मुकाबला करने के लिए योद्धाओं की फौज तैयार कर दी है। 98 संगठनात्मक जिलों में भाजपा के मंडल से लेकर प्रदेश पदाधिकारियों के साथ अग्रिम मोर्चे में 26 प्रकोष्ठों और 28 विभागों की मंडल स्तर तक टीम तैयार हो रही है। भाजपा ने प्रदेश टीम के साथ सभी क्षेत्रों की क्षेत्रीय टीमें, 98 जिला टीमों और 1918 मंडलों की कार्यकारिणी गठित हो गई। वहीं युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश टीम का गठन हो गया है। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यूपी में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच ये सरकार का बड़ा फैसला हुआ है। अगली अपडेट लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, आपको बता दें, IPS अफसरों से किया बातचीत कल। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लगभग कई IPS अफसरों से बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और इस बातचीत में PM मोदी ने खास करके एक प्रदेश और देश को सुधारने में अहम योगदान कैसे दें इसी को देखते और 15 अगस्त को खास करके उनकी ड्यूटी भी लगने वाली है ऐसे IPS उस बातचीत की। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबरें इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपने